भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 999 रुपए दे करके बुक कर सकते हैं इससे। आइए जानते हैं किससे होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, बताते हैं भारतीय बाजार में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है मात्र 999 रुपए। जी हां दोस्तों, मात्र 999 रुपए में बुक करके आप घर मंगवा सकते हैं, बाकी पैसा आपको गाड़ी खरीदने के बाद देना है। आइए जानते हैं कौन सी गाड़ी है, क्या इसका माइलेज है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है और इसकी कीमत क्या है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए इसके बारे में जानते हैं, तो बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो है लुक काफ़ी अलग देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है। जी हां दोस्तों, बता दें लुक इतना अच्छा है कि बहुत आकर्षक लगता है। इसमें बहुत सारे वाहन जो है स्वैपेबल अटैचमेंट भी शामिल किए गए हैं, तो इसमें आप बैटरी को जो है निकाल करके भी जो है चार्ज कर सकते हैं, स्वैपेबल अटैचमेंट शामिल किया गया है। आइए पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये रहा आपका ब्लू एंड ब्लैक कलर का गाड़ी, कुछ इस प्रकार से है, बुडीज कंपनी का है। आपको यहाँ पे बुडीज लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, रैम्पो की तरफ से ये गाड़ी आ रहा है। देख लीजिए, आपको ये सिंगल सीट वाला देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक डबल सीट वाला भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें पीछे भी एक आपका सीट लगा हुआ रहेगा। गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, हैंडल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे इसका हेडलाइट मिल जाएगा। पीछे देखिए बड़ा सा हाफ माउंटेन मोटर यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। ये सिंगल सीट वाला है, आपको डबल सीट वाला भी मिल जाएगा, आपको एक स्टैंड भी यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी काफ़ी मजबूत बनाया गया है रैम्पो की तरफ से। आइए इसके बारे में फुल डिटेल में जानते हैं। और आपको बता दें, इसे चलाने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छी बात है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो रैम्पो बुडीज 25 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो इस समय भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है खूब पसंद किया जा रहा है। और इसमें आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है सेगमेंट बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहा है। इसी को देखते हुए जो है कई कंपनियाँ देश में अपने ही जो है मॉडल्स को उतार रही है। अब इसी प्रकार से जो है आपको बता दें कि रैम्पो मोटो ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बुडीज 25 को लॉन्च कर दिया गया है। ब्रांड में इस स्कूटर का जो है मेटावर्स की बात करें तो यूट्यूब, लिंकेड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्पेडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसे किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसे जो लॉन्च किया गया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से इसे लॉन्च कर दिया गया है, जैसे कि इसकी इनका गाड़ी का वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिंकिन पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह इस गाड़ी को वीडियो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो कितनी है इसकी कीमत, तो कीमत भी हम लोग जान लेते हैं इस गाड़ी का। तो बात करते हैं दोस्तों, तो रैम्पो मोटो का जो है नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बुडीज 25 भारतीय बाजार में मात्र 66,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध कराया गया है। वहीं नहीं, ग्राहकों को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी की जो है वेबसाइट से मात्र 999 रुपये में बुक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्र और मात्र 999 रुपये में बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी इसकी जो है डिलीवरी अगले साल अप्रैल से जो है शुरू कर सकती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है आपको बता दें EMI पर भी खरीदा जा सकता है, जिस पर जो है 9% कॉस्ट EMI और विकल्प भी उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप इसे जो है EMI लोन पर भी आप ले सकते हैं, मात्र 999 रुपये दीजिएगा और आप लोन पर गाड़ी को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं तो कितनी है बुडीज 25 की रेंज, तो रेंज के बारे में भी बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एक जो है 48 वोल्ट और दूसरा 25 एच की लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं नहीं, यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 70 किलोमीटर तक चला सकते हैं सिंगल बैटरी वाला, जबकि डबल बैटरी वाला की बात करें तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज देगा। वहीं नहीं दोस्तों, आपको बता दें इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस स्कूटर से जुड़ी जो है एक बात कहा जा रहा है कि इसे आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला सकते हैं और इसमें 120 किलो तक की आपको जो है क्षमता है, लोडिंग क्षमता। मिलते हैं कई स्वैपेबल अटैचमेंट। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक भी जो है काफ़ी अलग है, जो कि बहुत सारे आकर्षक लगते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वाहन स्वैपेबल अटैचमेंट भी शामिल किए गए हैं। इसमें आपको बता दें इंसुलेटेड बॉक्स मिल जाएगा, सैंडल वैक्स मिल जाएगा, करियर चाइल्ड सीट मिल जाएगा, बेस प्लेट मिल जाता है, बेस रेक मिल जाता है और सैंडल स्टे ग्राहकों को मिलेंगे। वहीं बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुडीज 25 इलेक्ट्रिक स्कूटर देश के कई शहरों पर जो है ग्राहकों को चलाने के लिए दिया भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्राहक जो हैं और आप इसे चलाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
बात करते हैं तो ओकिनावा R30 से होगा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस गाड़ी का ओकिनावा R30 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है डिसेटेबल 1.25 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक से मिलता है, जिसमें लगभग 60 किलोमीटर की रेंज देता है। इसमें ऑटो कट सुविधा के साथ एक माइक्रो चार्जर भी मिल जाता है। इस मोटर में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर 250 वाट का रेटेड BLDC यूनिट मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी से जो है इसका सीधा मुकाबला होने वाला है। तो आप सिंगल बैटरी वाला लेते हैं बुडीज का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 125, तो आप इसे 70 किलोमीटर का माइलेज देगा। डबल बैटरी वाले 200 से ज़्यादा का माइलेज देगा। गाड़ी कब बुक कर रहे हैं ये अभी बताइएगा, और इसका बुकिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।